नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के रोजगार समाचार में। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बंपर भर्ती निकाली गई है। वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में लगे थे उनके लिए सुनहरा अवसर है। इस भर्ती के तहत मैकेनिकल समेत कई ट्रेड्स में ITI पास कैंडिडेट से आवेदन की मांग की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 421 पद भरे जाएंगे, जिसमें मैकेनिकल डीजल ट्रेड में ITI के 89 पद, फीटर ट्रेड के 188 पद, वेल्डर ट्रेड के 6 पद, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 24 पद, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 32 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के 13 पद, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड के 10 पद, सर्वे ट्रेड के 3 पद और ITESM या ICTSM या IT ट्रेड के 7 पद रिक्त हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट oilindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क के बारे में। तो आपको बता दें कि जो उम्मीदवार अपना संबंध सामान्य और OBC वर्ग से रखते हैं उन्हें इसके लिए ₹200 देने होंगे। वहीं जो उम्मीदवार अपना संबंध SC ST और EWS वर्ग से रखते हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या दिव्यांग हैं तो उन्हें आवेदन शुल्क में छूट दिए जाएंगे। हालांकि इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आइए अब जानते हैं उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसके लिए उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने मैकेनिक डीजल ट्रेड में ITI या फीटर ट्रेड का सर्टिफिकेट या वेल्डर ट्रेड में सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड या मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड या सर्वेयर ट्रेड या ITESM या ICTSM या IT ट्रेड में डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल की हो। इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए भी आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देखें। आइए अब जानते हैं उम्मीदवारों को मिलने वाले वेतन के बारे में। तो बता दें कि इसमें रिक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पे स्केल ग्रेड 3 के तहत आने वाले पदों पर ₹26,600 से लेकर ₹90,000 तक की सैलरी दी जाएगी। वहीं ग्रेड 5 के तहत आने वाले उम्मीदवारों को हर महीने ₹32,000 से लेकर ₹1,27,000 तक की सैलरी दी जाएगी। यदि बात करें उम्मीदवारों की आयु सीमा के बारे में तो उसमें उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से हैं उनके लिए निर्धारित समय सीमा 36 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक की रखी गई है। आइए अब बात करते हैं उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के बारे में। तो उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के जरिए होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा 2 भाषाओं में होंगी, जिसमें अंग्रेजी और असम शामिल है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे तक का समय दिया जाएगा। साथ ही आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी निर्धारण किया गया है। ये आप इसके नोटिफिकेशन में एक बार जाकर जरूर चेक कर लें। तो चलिए अब आखिर में हम बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार अपना आवेदन किस प्रकार से करें। लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने से पहले आप इसकी अधिसूचना को एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ आने के बाद खुद को रजिस्टर्ड करें। यूजर आईडी, नेम और पासवर्ड आदि जनरेट होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करें। मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें और सभी जरूरी जानकारी को भर दें। इसके बाद अपने आवेदन को सबमिट कर दें। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।